तो लास्ट वीडियो में मैंने ऑलरेडी बता दिया था रजिस्ट्रेशन करना है आपको, एंड एकदम सिंपल वे में मैंने आप लोग को बताने की कोशिश की थी, एकदम इजी वे में, उपसो आप वो समझ गए होंगे, ठीक है। तो वो पहले वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। एक बार मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दूँ, जब वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको आपके मोबाइल पे एक एप्लीकेशन नंबर आपका जनरेट हो जाता है, ठीक है, लाइक जो कि आगे के प्रोसेस में पूरा एप्लीकेशन नंबर ही यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो एक बार एप्लीकेशन नंबर आपका रजिस्टर मतलब मिल जाएगा आपको, ठीक है, हर का सबका अलग अलग एप्लीकेशन नंबर होता है, ठीक है। तो अब एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा तो उसके बाद का प्रोसेस क्या रहेगा, ठीक है। तो आपने जब न्यू रजिस्ट्रेशन किया था उसके बाजू में ही ऑलरेडी रजिस्टर्ड करके एक वो था, ठीक है, आपको अभी स्क्रीन पे दिखेगा। तो अभी जो प्रोसेस है, ठीक है, तो वहाँ पे क्लिक करोगे आपको तो यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ आपको स्क्रीन आएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपको जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है जो आपको मोबाइल नंबर पे आया रहेगा, ठीक है। फिर वहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है जो आपने सिलेक्ट किया था, मतलब जो भी आपने रखा था। फिर आपको साइन इन पे क्लिक करना है। जब आप साइन इन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा नहीं आएगा, बट ऐसा लेफ़्ट साइड में आपको ऐसे कुछ चीज़ें दिखेंगी, ठीक है। यहाँ पे ये सब चीज़ें आपको फिल करना है। अब ये भी कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं एकदम डिटेल वीडियो नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि ये सब कॉमन चीज़ें यार, इसमें कुछ ऐसा वो नहीं है। अगर नहीं समझ में आता तो आप साइबर में जाके भर सकते हो, बट मैं यही रिकमेंड करूँगा ये सब छोटी चीज़ें अभी से भरना आप समझ लो, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रोसीड टू कम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। आगे का जो भी एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा ना, वो आपको अब भरने के लिए प्रोसेस करना है, ठीक है। देख लो जो भी है एप्लीकेशन फॉर्म, सब आराम से भरो, ध्यान से भरो। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि कुछ भी गलती मत करो, नहीं तो गलती का प्रॉब्लम आपको बाद में फेस हो सकता है। तो जितना हो सके गलती करो ही मत, एक बार क्रॉस चेक कर लो डबल बार। तो ये सब ठीक है, ऐसे आपको अलग अलग स्टेप्स रहेंगे, सबको एक एक करके आपको भरना है, ठीक है। अगर आप जो जैसे फर्स्ट वाला स्टेप वन दिख रहा है, ठीक है, तो वो कंप्लीट हो चुका है, तो वहाँ पे आपको ग्रीन हो जाएगा। तो ऐसे ही सब आपको जितने भी रेड रेड है सब आप फिलअप जैसे जैसे करते जाओगे, अगर कुछ भी बाकी रहेगा तो वो रेडी शो होएगा या आगे का बढ़ेगा नहीं। तो सब चीज़ आपको सबमिट करना है, फ़ोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है। जब आप सब कुछ कर लोगे तो आपका ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट पूरा ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। एंड लास्ट में पे एप्लीकेशन फ़ीस का भी ऑप्शन मिलेगा, वो जब तक आप नहीं भरोगे तब तक प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म नहीं होता है, ठीक है, जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है। लास्ट ईयर भी सेम चीज़ था। तो जब आप अच्छे से भर लोगे तो आपको ऑटोमेटिकली ना आपको अभी स्क्रीन पे आएगा वो ऐसा आपको एक ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। आपको देखो मैंने जो येलो कलर में हाईलाइट किया है, सिलेक्ट के नीचे देखो बॉक्स बनाया है, उसको हाईलाइट किया है, एंड एप्लीकेशन फीस एंड 1700। अगर आप रिजर्वेशन से हो तो आपको कम रहेगा, ठीक है, 1200 कुछ होगा समथिंग, ठीक है। तो अभी ये जनरल के लिए इतना रहता है। फिर इसको प्रोसीड टू पेमेंट करके, आपको पेमेंट करने के बाद जब आप पेमेंट कर लोगे फिर आपको क्या करना रहेगा, एप्लीकेशन फॉर्म जो रहेगा उसको प्रिंट करना रहेगा, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो आप जब प्रिंट कर लेते हो तो आपको समझ लो अब तक जितना भी प्रोसेस था वो आपने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो इतना आपको समझा। वेल्स जो लोग अपीयर कर रहे हैं, ठीक है, एक सेक्शन है अगर आप देखोगे जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे, ठीक है, तो क्वालिफिकेशन डिटेल्स में जब आप HSC का भरना रहेगा आपको, ठीक है, तो वहाँ पे आपको जो लोग इस साल अपीयर कर रहे हैं, ठीक है, जो इस साल 12th देने वाले वहाँ पे उनको यस अपीयरिंग करना है, फिर जो है वो आपको भरना है, ठीक है। तो वहाँ पे अच्छे से भर देना। एंड एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ एग्ज़ाम सेंटर के रिलेटेड, ठीक है। आप जो भी सिंपल सा बता दो, आपको सेंटर पे आपको सिर्फ एग्ज़ाम देना है, ये नहीं कि आपने जो सेंटर चुना है उसका आपको कॉलेज से कुछ लेना देना है, ठीक है। तो सबसे इजी, सबसे अच्छा टिप देता हूँ मैं आपको, जो भी आपके नज़दीकी सेंटर रहेगा उसको प्रेफर करना, क्योंकि अगर आपको करना है तो आप दूर के सेंटर को भी सिलेक्ट कर सकते हो, बट मैं यही प्रेफर करूँगा कि नज़दीक के सेंटर को अपने चुनना, ठीक है। अभी तक जितना भी मैंने समझाया, ठीक है, मतलब वैसे तो आप भी समझ गए रहोगे, बट अगर कुछ नहीं समझाया तो आप मुझे पूछ सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो, या मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड एक और बात मैं रिपीट कर देता हूँ आप लोग के लिए, ठीक है। पेमेंट करने के बाद एप्लीकेशन
प्रिंट फॉर्म मतलब प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके आपको प्रिंट लेना है, ठीक है। मतलब आप चाहे उसको पीडीएफ बना के सेव करके लो या जाके प्रिंट करके फिजिकल कॉपी रखो अपने पास, ठीक है, क्योंकि आगे के प्रोसेस में वो सब चीज़ें काम आने वाली, ठीक है। जैसे समझ लो कि नेक्स्ट प्रोसेस जब भी जो भी अभी आगे का फर्दर जो भी प्रोसेस रहेगा उसमें ये सब चीज़ें मतलब एप्लीकेशन जो आप प्रिंट करोगे इसका काम आ सकता है, ठीक है, एंड आगे चल के भी काम आ सकता है। एंड पेमेंट का जो रिसिप्ट रहेगा वो भी आप जनरेट जो भी होता है, ठीक है, उसका भी रिसिप्ट जो भी है उसको, वैसे देखो लास्ट ईयर मैंने लेके रखा था, मैं बोलूँगा कि करके रखो, कुछ काम तो नहीं आएगा बट फिर भी करके रखो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, एक प्रिंट ही लेके रखना है उतना तो आप कर ही सकते हो। तो अभी के लिए समझ लो आपने जो भी प्रोसेस था उतना रेडी आपने ऑलरेडी करके रखा है, फर्दर प्रोसेस मतलब आगे का प्रोसेस जो भी रहेगा, ठीक है। अगर किसी को मेरी लैंग्वेज मतलब अगर मेरा जो भी मैं समझाने का तरीका है वो नहीं समझ में आ रहा है किसी को तो आप मुझे बता सकते हो, एंड अगर समझ में आ रहा है तो आगे के जो भी रहेंगे वीडियोस में ऐसे कवर करने वाला हूं, तो टेंशन मत लो, चैनल पे जुड़े रहो, कुछ भी आपका ओपिनियन है आप मुझसे शेयर कर सकते हो, कुछ भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है।